दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ही सबसे पहले आपको ये न्यूज ब्रेक की थी कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि साढ़े चौदह हजार करोड़ हम यहाँ पे कैपिटल लगाने वाले हैं आई के अंदर वोडाफोन आइडिया के अंदर जिससे वी में फिर से नहीं जान आ जाएगी वी आई अपना नेटवर्क एक्सपेंशन कर सकेगा सब कुछ कर सकेगा लेकिन अब दो शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है अप्रूव कर दिया ये साढ़े हजार करोड़ ये साढ़े हजार करोड़ कैसे आएंगे कैसा दोस्तों पैसा यहाँ पे इकट्ठा करेगा और बाकी की फंडिंग का क्या किस तरह से वीआई दो अपना फोर डिप्लॉय करेगा किस तरह से पैसा लाएगा किस तरह से 5G डिप्लॉय करेगा इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में प्लीज बने इस वीडियो के साथ अंत तक मैं हूं आपका दोस्त नील शेखा आप तो देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नो नील कि जानते हैं फंडिंग की सख्त जरूरत है पैसा इसे जल्द से जल्द चाहिए एक तरफ सरकार ने दोस्तों सपोर्ट तो किया इसके पूरे कर्ज को में कन्वर्ट करके मेजोरिटी स्टेक होल्डर सरकार बन चुकी है जिससे पॉजिटिव वे यहां पे जाता है एक लुक जाता है दूसरे बाहर के देशों के लिए हॉन्गकॉन्ग से हो यूएस से हो यूके से हो कहीं से भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको दिखता है कि हाँ सरकार की हिस्सेदारी इसके अंदर है मतलब ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है सरकार भी यही चाहती थी कि हम सिर्फ बैक सीट में बैठेंगे और दिखाएंगे कि हमने कहीं जाने वाले नहीं इसे डूबने नहीं देंगे और वैसा ही हो रहा है बड़े बड़े दोस्तों इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने वाले लेकिन फिलहाल दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने ही बताया था कि वी आई वोडाफोन आइडिया ग्रुप जो है वोडाफोन ग्रुप यूके का और भारत का आइडिया ग्रुप दोस्तों ये अच्छा खासा पैसा कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले साढ़े चौदह हजार करोड़ दो लगाने की यहाँ पे बात चल रही थी इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और अपने जो शेयर होल्डर्स है इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है उनसे दोस्तों सौ हामी लेनी पड़ती है और यहाँ पे वो अप्रूवल शेयर होल्डर का मिल चुका है स्क्रीन पर देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स अप्रूव रुपीज फोर्टीन थाउजेंड करोड फंड रेजिंग प्रपोजल साढ़े हजार करोड़ का जो फंड रेजिंग का अप्रूवल प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया यहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया हैव अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रेज 14,500 थाउजेंड करोड लेफ्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सैटरडे को यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे साढ़े चौदह हजार करोड़ जो यहाँ पे उठाना चाहते हैं मार्केट से लाना चाहते हैं इसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स ने दे दिया है यस yes, ये बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पे गुड न्यूज है वोडाफोन आइडिया के लिए कि शेयर होल्डर्स ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों यहां जाके साढ़े चौदह हजार करोड़ ला सकते हैं इसके दोस्तों क्या इसके अंदर वोडाफोन आइडिया ग्रुप वोडाफोन ग्रुप यूके का और आइडिया ग्रुप यहां पे साढ़े चार हजार करोड़ तो खुद लाएंगे जो दोनों प्रमोटर है ना वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप साढ़े चार हजार करोड़ यूके का वोडाफोन ग्रुप और भारत का आइडिया ग्रुप ये दोनों दोस्तों लेके आने वाले साढ़े चार हजार करोड़ और बाकी का दस हजार करोड़ जो होगा दोस्तों स्पार्ट ऑफ द फंड दोस्तों अप्रूवल से से ले लिया है इक्विटी कहां से लाएंगे ADR, और FCCBS, अलग अलग वेज होंगे पैसों के इन सभी जगह से दस हजार करोड़ यहां पे लाने वाले हैं जहां पे अगर बात करते हैं वोडाफोन ग्रुप की दोस्तों ये हजार तीन करोड़ यानी ऑलमोस्ट तैतीसौ करोड़ यहां पे लाने वाला है वोडाफोन ग्रुप जो होगा यहाँ पर आइडिया ग्रुप जो होगा दोस्तों ग्यारह करोड़ यानी ऑलमोस्ट साढ़े चार हजार करोड़ दोनों मिलके दोस्तों यहां पे लाने वाले हैं। वोडाफोन ग्रुप की बात कर दो यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज और प्राइम मेटल जो है दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट दो करोड़ की इक्विटी शेयर जो है दोस्तों वहां से पैसा लाने वाला पिचहत्तर परसेंट जो होगा टोटल इक्विटी शेयर दोस्तों इसको लाएगा और इसके थ्रू दोस्तों ऑलमोस्ट तैंतीस करोड़ यहां पे पैसा लाया जाएगा आइडिया ग्रुप की बात को तो यहां पे और इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहां पे हैं जहां से ऑलमोस्ट एटी फोर uh, परसेंट करोड़ इक्विटी शेयर जो होंगे दोस्तों ऑलमोस्ट 25 परसेंट का दोस्तों यहां पे प्रोफेशनल शेयर होंगे दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पैसा 1125 करोड़ उठा जाएगा तो इस तरह से दोस्तों दोनों ही कंपनी मिलकर साढ़े चार हज़ार करोड़ लाने वाली है और दस हज़ार करोड़ दोस्तों ये मैक्स बात की जा रही है यहाँ पे एडीआर जीडीआर और एफसीसीबी के थ्रू यहाँ पे पैसा उठा जाएगा तो सो तो बात की एक बात है दोस्तों फिलहाल यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अच्छा खासा पैसा जुटाने की तैयारी में ये साढ़े चौदह हज़ार करोड़ तो जल्द से जल्द उठा लेगा लेकिन इसके साथ साथ जो यू हॉन्गकॉन्ग से फंडिंग आने वाली है उसके लिए सरकार से अप्रूवल मांगा कि एफ एफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन डायरेक्ट एफ जो हम यहाँ से ला लेके आने वाले हैं क्योंकि सरकार के कुछ कानून है कि जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं उनके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तो ये सरकार से पूछ रहा है उसके साथ साथ यूएसए दो सो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े दोस्तों इन्वेस्टर से उनसे यहाँ पे फाइनल बातें चल रही तो आने वाले हो सकता है एक महीने के अंदर आपको बड़ी न्यूज देखने को मिले जहां पर बोर्डाफोन एक बड़ी फंडिंग दोस्तों यहां पे जुटा है और जिससे वो अपने गीगा नेट फोर को पूरे भारत में एक्सपांड करेगा अपने नेटवर्क को बहुत ही पावरफुल करेगा और उसके साथ साथ क्योंकि दो महीने के बाद दोस्तों एक से दो महीने के बाद आपको भारत के अंदर फाइव का ऑप्शन होते हुए नजर आएगा और

but she always keep smiling.